हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक विद शगुन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कुछ अलग तरह का मिंट फ्लेवर का आइसक्रीम। मिंट फ्लेवर का आइसक्रीम कभी खाया नहीं है, नहीं खाया ना, तो चलिए आज बनाते हैं। तो मिंट के साथ हम मिलाएंगे चॉकलेट चिप्स, और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कूल एंड क्रीमी आइसक्रीम बनने वाला है, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए कैसे बनता है ये आइसक्रीम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया है और उसके अंदर मैंने आधा लीटर दूध डाला है। ये दूध है फुल फैट वाला है, आपको फुल फैट वाला ही यूज़ करना है। उसके अंदर दो बड़े चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। आप कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें फ्लेवर ना हो उस तरह का। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 3/4 कप यहाँ पे शुगर ऐड की है, क्योंकि हम इस आइसक्रीम में कंडेंस मिल्क का यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे शुगर ऐड की है। तो अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे, उसके बाद ही हम इसे गैस पे चढ़ाएंगे। और गैस की आँच हम सबसे पहले मीडियम रखेंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है वो नीचे चिपके ना। और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है और इसे लगातार चलाते रहना है। तो करीबन 6 से 7 मिनट के बाद ये दूध है जो गाढ़ा हो चुका है, और जो कॉर्नफ्लोर ऐड किया है वो भी इसमें अच्छी तरह से पक चुका है। तो यहाँ पे हम गैस बंद कर देंगे, और आप देख सकते हो इतना इसे ठीक रखना है। वैसे तो ये ठंडा होएगा, तो उसके बाद ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तो हम इसे गैस से नीचे उतार लेते हैं और एक साइड रख देंगे जब तक ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। दूसरी साइड यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और उसके अंदर मैंने आधा कप व्हिपिंग क्रीम डाला है, और ये व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल ठंडा है, तो इसे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं बीट करूँगी। और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसे बीट नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट एंड फ्लफ़ी इसका टेक्सचर आ जाए तब तक आप इसे बीट करिएगा, क्योंकि हमें इस आइसक्रीम में ये थोड़ा इतना ही लाइट एंड फ्लफ़ी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी क्रीम भी बीट हो चुकी है, 3-4 मिनट में तो ये बीट भी हो जाती है। तो यहाँ पे हम जो मिंट फ्लेवर का आइसक्रीम तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 15 से 17 मिनट्स के जो पुदीना आते हैं उसके पत्ते लिए हैं, इसे अच्छी तरह से धो लिए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मिक्सी जार में डाला है, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा 3-4 चम्मच दूध भी डाला है। उसके बाद अच्छी तरह से इसको हम मिक्सी में चला लेंगे, तो ये लिक्विड एक तरह का पुदीना का हो जाएगा। तो हम इसे छन्नी की मदद से छान लेंगे। वैसे तो आपके पास जो मिंट एक्सट्रैक्ट आता है या एसेंस आता है आपके पास हो तो आप वो ऐड कर सकते हो, तो इसे स्किप कर दीजिए। पर यहाँ पे मैंने पुदीना से जो पत्ते थे उसी से ही ये आइसक्रीम बनाया है। तो मैंने यहाँ पे इसे जो व्हिपिंग क्रीम थी उसमें डाल दिया है, और जो और हमारा जो मिल्क और कॉर्नफ्लोर वाला जो मिक्सचर था वो भी एकदम ठंडा हो चुका था, तो उसको भी मैंने इस क्रीम में डाल दिया है। उसके बाद मैंने थोड़े से वेनिला के ड्रॉप्स भी ऐड किए हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है, क्योंकि जो मिंट होता है वो ग्रीन कलर का है, तो थोड़ा आइसक्रीम भी अच्छा दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से 1-2 ड्रॉप्स डाल दिए हैं ग्रीन कलर के। आपको डालना हो तो आप डाल सकते हो, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो जो हमारा मिंट चॉकलेट चिप्स था उसका आइसक्रीम का एक बेस ये तैयार हो चुका है। तो 3 घंटे के बाद मैंने बाउल को निकाल लिया है फ्रीज़र में से, और क्लिंग रैप भी मैंने हटा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसे 2-3 मिनट के लिए बीट कर लूँगी। इससे क्या होगा कि आइसक्रीम में एयर आएगी, और एयर की वजह से ही हमारी आइसक्रीम बढ़िया सी बनती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है, इसमें मैंने ये क्रीम है वो डाल दी है।
अच्छी तरह से आप क्या करिए कि आपके पास एयरटाइट कंटेनर हो या केक टीन हो, उसमें भी आप आइसक्रीम को जमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का कंटेनर लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है। और आप चाहो तो चॉकलेट चिप्स को जो हमने जो आइसक्रीम का जो मिक्सर बनाया था उसके अंदर भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने ऊपर बहुत सारी इसे फैला ली है। उसके बाद क्लिंग रैप से मैंने फिर से कंटेनर को कवर कर लिया है और जो ढक्कन था वो भी मैंने बंद कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 6 से 7 घंटे के लिए या पूरी रात इसे फ्रीज़र में रखेंगे और उसके बाद हम दूसरे दिन इसे निकालेंगे फ्रीज़र में से। तो दूसरे दिन मैंने इसे निकाला था आइसक्रीम के बॉक्स को, तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से ये जम चुका है। तो इसी तरह से हम इस तरह का मिंट चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम बनाएंगे और यकीन मानिए ये खाने में एकदम अलग ही तरह का इसका टेस्ट है, एकदम कूल है और एकदम क्रीमी आइसक्रीम है। तो आप इसे ज़रूर इस समर सीज़न में ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, इस आइसक्रीम को भी आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक भी कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।